29 नवंबर को प्रियंका वरुण राष्ट्रीय अध्यक्षा भारतीय महिला सुरक्षा संघ ने अपने जन्मदिन के मौके पर गरीबों के बीच शॉल और उपहार का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने विचार भी साझा किए और सरकार पर कई सवाल भी उठाए। भारतीय महिला सुरक्षा संघ की नेशनल प्रेसिडेंट प्रियंका वरुण ने 29 नवंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर जरूरतमंदों के बीच उपहार और शॉल बांटे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी बात कही। उनका कहना था कि सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन उनके साथ अप्रिय घटनाएं होती रहती है। मौजूदा सरकार के कई मंत्री और विधायक भी ऐसे हैं जिनके आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं और वे सत्ता में हैं। हमारी संस्था महिलाओं की मदद करेगी, हम हर तरीके से सबके साथ हैं। पड़ेगी उन्हें लगेगा कि भारतीय महिला सुरक्षा संघ की हमें जरूरत है, चाहे वो आर्थिक स्थिति से हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, महिलाओं के साथ 24 घंटे मिलाकर के भारतीय महिला सुरक्षा संघ साथ खड़ा है। और भारतीय महिला सुरक्षा संघ आगरा में ही नहीं, समस्त जनपद व जिले व राज्यों में इसका गठन हो चुका है, जो कि हर जिले व राज्य में नारी सशक्तिकरण दिवस मनाया गया है। और साथ ही हर जिले व राज्यों में महिलाओं की बढ़ चढ़ कर के मदद की जा रही है और हमेशा मदद की जाएगी। क्या खाने की जिम्मेदारी दी जा रही है एक दिन के लिए, ये सरकार के द्वारा लिया गया फैसला है, क्या कहना चाहेंगी? मैं मानना चाहूंगी कि जो शिक्षिकाओं के द्वारा जो थाने का जो एक दिन का इनको चार्ज बनाया जा रहा है, ये बेवकूफी कर रहे हैं। केवल अपने आप को सरकार चमका रही है और कुछ नहीं कर रही है। सरकार को अगर काम करना है, जो दरोगा या एसपी या कप्तान अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, अगर वही सच से काम कर ले तो महिलाओं को एक दिन का शिक्षक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षिकाओं को अपना काम करना चाहिए कि वो शिक्षा से बच्चों को शिक्षित दें, बच्चों को शिक्षा करके ग्रहण करके उनको संविधान के पर्दा पढ़ा करके उनको आगे बढ़ाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार केवल ढकोसला कर रही है, लेकिन दिखाई दे रहा है सभी पत्रकार बंधुओं को, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार को, कि जिस तरीके से गैंगरेप की घटनाएं अगर हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें बिल्कुल योगी सरकार का नील बट्टा जूरो का योगदान है, जो कि बिल्कुल भी